सिरखा, सिरखा नहीं सिरका, सिर तो मैंने खाना है आपका, बट इसमें मेरा कसूर नहीं है, कसूर है तो एप्पल साइडर विनेगर की लंबी गुनों की लिस्ट का जो मुझे हर हाल में आपको बतानी है। एनीवेज, विनेगर यानी सिरके का नाम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन सेब का सिरका भी होता है ये अभी कुछ सालों से ही सुनने को मिला है, जबकि सदियों से इसे हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे जैसे रिसर्चेज हुई इसके हेल्थ बेनिफिट सामने आए और इसका यूज़ अब बढ़ता जा रहा है। सेब के जूस को यीस्ट और बैक्टीरिया को यूज़ कर फर्मेंटेशन का प्रोसेस से निकाला जाता है, जिसे सेब का सिरका कहते हैं। ये सिंथेटिक ना होकर एक नेचुरल विनेगर है जिसे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो ही जाएगा। इसमें सोडियम क्लोराइड, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ साथ विटामिन A1, B1, B2, B6 और विटामिन C और विटामिन E पाए जाते हैं। सेब के सिरके में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी तरह की इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करती हैं। पेट में दर्द हो, पेट अपसेट हो तो 2 टीस्पून सेब के सिरके को 1 कप पानी में मिक्स करके पीने से आराम मिलता है। इसमें वाटर सॉल्युबल फाइबर होता है जो डायरिया को ठीक करता है और बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल कॉन्स्टिपेशन से भी छुटकारा दिलाता है। जब भी आप इनडाइजेशन से परेशान हो तो 1 ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच हनी मिक्स करके ले सकते हैं। सिरके में पाए जाने वाले एंजाइम्स और एसिटिक एसिड सब्जियों और अनाज को जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इससे पेट में भोजन सड़ता नहीं और खाने के पूरे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब भी होते हैं। खासकर मीट की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सेब का सिरका बहुत बढ़िया है। सेब का सिरका बॉडी से बाहर भले ही एसिडिक हो, लेकिन बॉडी के अंदर जाकर ये एल्कलाइन ही हो जाता है। इससे बॉडी में एल्कलाइन की मात्रा बढ़ती है जो फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम कर कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते हैं। विनेगर ब्लड से फैट को कम कर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। इसमें पाए जाने वाला पोटेशियम ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखता है, जिससे हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है और ब्लड प्रेशर भी अंडर कंट्रोल रहता है। ये विनेगर ड्रिंक कोल्ड, कफ और गले की खिचखिच को दूर करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। इसके लिए आप 1 ग्लास हल्के गर्म पानी में 1 टेबलस्पून सेब का सिरका डालकर गरारे भी कर सकते हैं। इससे चेस्ट कंजेशन में भी आराम मिलेगा। साइनस इन्फेक्शन के कारण बंद नाक को खोलकर चैन की सांस ले सकता है इंसान इस विनेगर के इस्तेमाल से। एप्पल साइडर विनेगर को पानी में घोलकर पीने से बॉडी से रेशा बाहर निकलेगा, बंद नाक खुलेगी और सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सेब के सिरके में एसिडिक प्रॉपर्टीज होने के कारण ये मुंह की दुर्गंध और मसूड़ों की सूजन को ठीक करने में हेल्पफुल है। एप्पल साइडर विनेगर को पानी में मिक्स कर गरारे करने से मुंह का बैक्टीरिया नष्ट होता है और आप फ्रेश फील करते हैं। सेम पानी को 10 सेकंड्स के लिए मुंह में घुमाएं और फिर उंगली के साथ दांतों को साफ करें। इससे चाय, कॉफी और कोला ड्रिंक के लगे दाग दांतों से छूटेंगे, उनका पीलापन कम होगा और वो अधिक सफेद दिखेंगे। ऐसा वीक में 1 ही बार करें। बार बार और लंबे समय तक करने से दांतों का एनामल खराब हो सकता है। जब ब्लैक क्रैम्प्स पड़ते हैं तो दर्द और अकड़न से चीखें निकल जाती हैं, होता है ना, और कई बार तो बहुत दिनों तक उसका दर्द और दबाव टांगों पे रहता है। जिन लोगों को बार बार क्रैम्प्स पड़ते हैं वो एप्पल साइडर विनेगर और हनी मिक्स करके पानी में लें। इससे दर्द में आराम मिलेगा और क्रैम्प्स की इंटेंसिटी भी कम होगी। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने से बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है और इंसान समय से पहले बूढ़ा होने लगता है। सो हर किसी को चाहिए कि वो अपने खाने पीने का ध्यान रखें और ब्लड में शुगर लेवल को ना बढ़ने दें। एप्पल साइडर विनेगर इज एक्सीलेंट इन इम्प्रूविंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसमें पाया जाने वाला एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को स्लो करता है, जिससे खाने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल लो रहता है। सो डायबिटिक्स के लिए ये बढ़िया चॉइस है। अगर ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रहे हो ब्लड शुगर लेवल को लो रखने की, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसकी क्वांटिटी डिसाइड करें। सेब के सिरके में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारी थकान और सुस्ती को दूर कर हमें एनर्जेटिक रखते हैं। जब भी आप थकान महसूस करो तो 1 ग्लास पानी या जूस और सूप में 1 टीस्पून विनेगर का डालकर ले सकते हैं। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। अगर ये विनेगर बैड बैक्टीरिया को नष्ट करता है तो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्पफुल भी है। ये बॉडी से अधिक यीस्ट की मात्रा को ख़त्म करता है। इसकी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़
स्किन और नेल्स की फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में फ़ायदेमंद है। अगर पैरों या उंगलियों में फंगस हो तो गर्म पानी में सेब का सिरका डाल के कुछ देर पैरों को उसमें भिगोए रखें या इफेक्टेड एरिया पर इस पानी को लगाएं। ये उपाय एथलीट्स फुट के लिए भी बढ़िया है। इससे पैरों की दुर्गंध दूर होगी और लोग आपके करीब आएंगे। वेट लॉस में भी ये विनेगर मददगार हो सकता है। सुबह एक ग्लास गर्म पानी में एक टीस्पून डेली लें या फिर एक टेबलस्पून कांच की बॉटल में डालें और उसे पानी से भर लें और पूरा दिन उसे पीते रहें। एसिटिक एसिड मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, भूख को दबाता है और बॉडी में वाटर रिटेंशन को कम करता है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वजन कम करने के लिए कोई एक चीज़ काम नहीं करती, बल्कि बहुत से फैक्टर्स को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, जैसे कि डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक एटसेट्रा। अर्थराइटिस के कारण जोड़ों में होने वाले दर्द और सूजन से आराम दिलाता है ये सेब का सिक्का। इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। मैग्नीशियम बोन्स में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। 2 टीस्पून विनेगर और 2 टीस्पून हनी का 1 गिलास पानी में मिक्स करें और इसे दिन में 3 बार लें। ये मिक्सर जॉइंट्स और मसल्स के बीच बनने वाले यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल्स को डिजॉल्व करेगा, जिससे स्टिफनेस और दर्द में आराम मिलेगा। ये गठिया रोग के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून कोकोनट या ऑलिव ऑयल में 2 टेबलस्पून सेब का सिरका मिक्स कर आप मसाज के लिए एक बढ़िया ऑयल तैयार कर सकते हैं। जब भी दर्द महसूस हो तो इस तेल के साथ अफेक्टेड जॉइंट्स पे मसाज करें। हिचकी से परेशान लोग 1 टीस्पून विनेगर थोड़े से पानी में डल्यूट करके लें। इसके खट्टे टेस्ट से हिचकी आनी बंद हो जाएगी। ये तो थे ढेरों बेनिफिट्स एप्पल साइडर विनेगर के हेल्थ के लिए। तो अब सुनिए इसके एंडलेस ब्यूटी बेनिफिट्स। इट्स एक्सीलेंट फॉर स्किन एंड हेयर ऑल्सो। इट्स वेरी गुड फेशियल टोनर। 1 टेबलस्पून सेब के सिरके को 1 कप पानी में मिक्स करें, उसमें 1 कॉटन बॉल को भिगोकर चेहरे और नेक पे लगाएं। इससे दाग धब्बों से छुटकारा मिलेगा, रंग एक सार होगा और कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा। इसे रोज लगाने से स्किन टाइट होगी, उसकी नमी बरकरार रहेगी, चेहरे पे ग्लो आएगा, फाइन लाइंस और रिंकल्स का प्रोसेस स्लो होगा। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं, जिसके कारण पिंपल्स, रैशेज और बॉयल्स हो जाते हैं। सेब का सिरका स्किन से एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर स्किन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है। वार्ट्स यानी मस्सों को निकालने में भी विनेगर बहुत इफेक्टिव है। कॉटन बॉल को डायरेक्टली विनेगर में डिप करके मस्सों पे लगाएं और उसे बैंडेड से कवर कर दें। अगर आपको स्किन पे जलन जैसी फीलिंग हो तो आप इसे हल्के से पानी में डल्यूट करके भी लगा सकते हैं। इसे रात भर लगाए रखें और सुबह उठते ही हटा दें। मोस्ट प्रोबेबली ये 10-15 दिन के अंदर निकल जाएंगे। पहले 1-2 दिन हो सकता है रेडनेस या सूजन हो। इसकी एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज कीड़े मकौड़े और मच्छरों के काटने के कारण होने वाले दर्द, सूजन और खुजली में आराम देती है। एप्पल साइडर विनेगर को थोड़े से पानी में डल्यूट करके अफेक्टेड एरिया पे लगाएं। इसके डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज के कारण चोट या घाव पे लगाने से घाव जल्दी भरता है। इट्स बेनिफिशियल इन इचिंग हाइज ऑल्सो, यानी किसी चीज़ को टच करने से या खाने से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। उससे बॉडी से एक तरह की प्रोटीन निकलती है, जिससे स्किन पे रेडनेस आ जाती है, खुजली होती है और सूजन होती है। ऐसे में सिरके वाले पानी से नहाना या अफेक्टेड एरिया को धोने से आराम मिलता है। जिन लोगों की बॉडी से दुर्गंध आती है वो सेब का सिरका इस्तेमाल कर इससे छुटकारा पा सकते हैं। सेब के सिरके को थोड़े से पानी में डिल्यूट कर अंडर आर्म्स पे लगाएं। ये दुर्गंध वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा और आपको डिओड्रेंट जैसी फ्रेशनेस देगा। सुंदर और चमकदार बालों की चाह हो तो बालों को शैम्पू करने के बाद 4 टेबलस्पून सेब के सिरके को 1 पानी के बड़े मग में डालें और उससे बालों को रिंस करें और फिर साफ पानी से धो लें। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिरके वाले पानी से बालों को रिंस करने से स्कैल्प से डेड स्किन सेल्स निकलते हैं और बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। डैंड्रफ और खुजली की परेशानी से बचना चाहते हैं तो सेब का सिरका और पानी को बराबर मात्रा में लें और बालों को शैम्पू करने से पहले इस मिक्सचर से स्कैल्प की मसाज करें। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर को अपने शैम्पू में मिक्स कर भी मसाज करते हुए बालों को धो सकते हैं। विनेगर की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज डैंड्रफ को ख़त्म करने में मदद करेगी। लाइस जुओं को ख़त्म करने के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। यू कैन ऑल्सो मेक अ नेचुरल हेयर कंडीशनर बाई यूजिंग एप्पल साइडर विनेगर। 1/2 कप सिरके में 1/4 कप पानी का मिक्स करें और बालों पर लगाएं।
इससे बाल उलझेंगे नहीं और बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। बालों के झड़ने से कौन परेशान नहीं होता। बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए और गंजेपन से बचने के लिए एप्पल साइडर विनेगर को बाल्ड पैचेस पर रब करें। जबकि ये सिरका बहुत ही कमाल की चीज़ है, फिर भी इसे इस्तेमाल करते हुए इसकी क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें। रोज़ रोज़ बहुत अधिक क्वांटिटी में लेने से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। इसमें एसिटिक एसिड की मात्रा काफ़ी होने के कारण इसे पीने के लिए हमेशा किसी न किसी चीज़ में डल्यूट करके ही लें, जैसे वाटर, जूस, सूप, हनी एट्सेट्रा। स्किन पे इस्तेमाल करने के लिए भी इसे पानी में डिल्यूट करके ही लगाएं। इसे डायरेक्टली स्किन पे लगाने से पहले थोड़े से एरिया पर लगाकर इसे टेस्ट जरूर कर लें। किसी तरह की अनइजीनेस, बर्निंग सेंसेशन या रेडनेस हो तो इसे पानी में डिल्यूट करके ही लगाएं। इसमें एसिड कंटेंट अधिक होने के कारण इसे कंज्यूम करने के बाद कुरला जरूर कर लें या उंगलियों से दांतों को साफ कर लें, ताकि एसिड अधिक देर तक लगे रहने से दांतों का एनामल खराब ना हो। इससे बचने के लिए आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर भी सेब के सिरके के फायदे ले सकते हैं। व्हाइट विनेगर की जगह एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, यह नेचुरल भी है और सेहत के लिए बढ़िया भी। वैसे तो एक नॉर्मल इंसान एक टेबलस्पून एक ग्लास में डल्यूट कर डेली हेल्थ ड्रिंक के तौर पर सेफली ले सकता है। जैसे कि हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती, ऐसे ही एप्पल साइडर विनेगर लेने पर आपको कुछ अलग सी फीलिंग हो तो अपने हेल्थ एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें। ऑस्टियोपोरोसिस या किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसकी क्वांटिटी डिसाइड करें। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स के कारण अब लोगों की किचन में वाइट विनेगर की जगह एप्पल साइडर विनेगर नज़र आने लगा है। सो आप भी इस विनेगर का इस्तेमाल करें और अपनी हेल्थ, हाइजीन, स्किन और हेयर प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।